नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग विज्ञान सीरीज के भाग 5 को कवर करेंगे। आज 15 तारीख है और इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट को कवर किया है, जिसमें कि हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस को याद किया था। उम्मीद है वो सारे प्रश्न आपको अच्छे से एकदम कंठस्थ हो चुके होंगे। आज हम लोग भाग 5 करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आने पर आपको जानकारी मिल सके। आइए देखते हैं भाग 5। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज। प्रोटीन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन से एमिनो एसिड प्राप्त होता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। प्रोटीन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एमिनो एसिड। अगला देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है लाइम सिलिका एलुमिना। क्या है? लाइम सिलिका एलुमिना। लाइम सिलिका एलुमिना पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज। प्रोटीन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एमिनो एसिड। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? लाइम सिलिका एलुमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाका सोल्डर मिश्र धातु किससे बनता है? तो सोल्डर बनता है टीन एवं सीसा को मिलाने से। सोल्डर किससे बनता है? जब टीन और सीसा को मिला दिया जाता है तो सोल्डर बनता है। अगला सवाल देखते हैं, गन मेटल या गन धातु क्या है? तो CuSn तथा Zn इनके संयुक्त रूप को गन मेटल कहा जाता है। किसे किसे? CuSn तथा Zn। CuSn तथा Zn को क्या कहा जाता है? गन मेटल। अगला सवाल है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर का, चारकोल और सोरा का। सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण गन पाउडर कहलाता है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोरा का। एक बार फिर से देखते हैं, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। प्रोटीन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एमिनो एसिड। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? लाइम सिलिका एलुमिना। टाका सोल्डर मिश्र धातु किससे बनता है? तो टीन एवं सीसा के मिलाने से टाका या सोल्डर बनता है। गन धातु है CuSn तथा Zn और गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोरा का। सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण जो है गन पाउडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना पारा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? पारा का। पीतल मिश्र धातु किस प्रकार बनता है? तो तांबा एवं जस्ता को मिलाने पर पीतल मिश्र धातु बनता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। और गैलेना किसका अयस्क है? पारा का। पीतल मिश्र धातु कैसे बनता है? तांबा एवं जस्ता से। याद करें, सोल्डर किससे बनता है? टीन एवं सीसा को मिलाने से सोल्डर बनता है, और तांबा एवं जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10^-10 मीटर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10^-10। ब्रोंज कांसा किसके मिश्रण से बनता है? तो कॉपर एवं टीन के। कॉपर एवं टीन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा। अगला सवाल है, बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? तो बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, सॉरी यहाँ गलती से जिंक हो गया, इस्पात बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच किसका मिश्रण है? तो कांच बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10।
कांसा किसके मिश्रण से बनता है? कॉपर एवं टीन। बेसीमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट के मिश्रण को कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश लोहा किससे प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट से अधिकांश लोहा प्राप्त होता है। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? एंथ्रासाइट। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप एंथ्रासाइट। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10। कांसा किसके मिश्रण से बनता है? कॉपर एवं टीन के। बेसीमर प्रक्रम में क्या बनाया जाता है? इस्पात। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? एंथ्रासाइट। सबसे शुद्धतम रूप है कोयले का। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन। आप ऐसे ही करके लगातार 3-4 बार पढ़ें, निश्चित ही सभी प्रश्न काफी कम समय में और अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, पायरेक्स कांच क्या होता है? तो पायरेक्स कांच ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, ऊष्मा का प्रतिरोध करता है। अगला देखते हैं, माल्कोनाइट किस धातु का खनिज है? तो माल्कोनाइट तांबे का खनिज है। माल्कोनाइट किसका खनिज है? तांबे का। पायरेक्स कांच क्या होता है? ऊष्मा का प्रतिरोधी। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन किसका मुख्य संघटक है? पेट्रोल का। गाय का दूध पीला किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। किसके कारण गाय का दूध पीला होता है? कैरोटीन के कारण। पायरेक्स कांच क्या होता है? ऊष्मा प्रतिरोधी। माल्कोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबे का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। गाय का दूध पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप एंथ्रासाइट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन। पायरेक्स कांच क्या होता है? ऊष्मा प्रतिरोधी। माल्कोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबे का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। गाय का दूध पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस सीरीज से लगातार जुड़े रहें, काफ़ी कम समय में आप प्रत्येक दिन विदाउट प्रेशर के आप 20 क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं। इसका इफेक्ट जब हम लोग इस सीरीज का 30वां या 35वां दिन होगा तो हमें इसका इफेक्ट पता चलेगा, क्योंकि तब तक हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन स्टोर हो गए होंगे। इसलिए आप इसे लगातार रिवाइज भी करते रहें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियोस होती है, इसे रिवाइज करने में आपको कोई एक्स्ट्रा प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, और निश्चित ही अगर आप इसे रिवाइज करते हैं, साथ ही करंट अफेयर्स की वीडियोस को रिवाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहती है। आप इसे अच्छे से फॉलो करें। धन्यवाद।